Hello student, welcome to my class. I am Annapurna Patkar, assistant teacher from Government New Primary School, Bendri, Raipur, Chhattisgarh. Students, today I am going to teach class 2, lesson 8, reference time. From this lesson, student will learn how to write capital and small letter. Student will also learn the naming word Z, A, V, N. Students, as you know, there are 26 letters in the English alphabet. 26 letter jo hai hamari English alphabet mein hote hain, jisme se A, E, I, O, U, ye jo 5 letter hain, wo vowel kehlate hain, aur baki ke bache 21 letter jo hain, wo consonant kehlate hain. To aaj jo hai, hum inhi mein se कुछ लेटर्स से बनने वाले शब्दों को सीखेंगे और इन्हें आप बाद में अपनी कॉपी में लिखने का भी प्रयास करेंगे. और ये जो नाम हैं, इन्हें हम नेमिंग वर्ड भी कहते हैं, जो कि इंग्लिश में हम नाउन बोलते हैं और हिंदी में इसे संज्ञा बोलते हैं. चलिए, आपको स्क्रीन में जो है लेटर दिखाई दे रहा है जेड, और ये कैपिटल जेड है, उसके नीचे स्मॉल जेड है. अब देखिए इस जेड से बनने वाले कुछ वर्ड्स. पहला वर्ड है जू, जेड डबल ओ जू, जू. सेकेंड वर्ड है जेब्रा, अ जेब्रा, जेड ई बी आर ए जेब्रा. थर्ड वर्ड है जिप, अ जिप, जेड आई P, zip. And fourth word है zero, z e r o zero, a zero. Next है a, a जो है vowel है, इसमें नीचे में आपको दिखाई दे रहा होगा small a. अब हम a से बनने वाले कुछ words को जानेंगे, जैसे कि हमारा पहला word है ant, an ant, ant यानि चींटी, A N T, ant. Second word है Almira, an Almira, A L M I R A H, Almira. Third word है apple, apple सभी लोग जानते हैं, apple तो सब खाते हैं, है ना? तो A से बनने वाला ये word है an apple. Next है X, an X, A X E X. अब नेक्स्ट हमारा लेटर है V. तो यहाँ पर कैपिटल V है और नीचे में स्मॉल V है, दिखने में सेम ही दिखाई देता है. इससे बनने वाले हमारे वर्ड हैं, फर्स्ट वर्ड है वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स यानी सब्जियाँ. सेकेंड वर्ड है वल्चर, अ वल्चर, V U L T U R E, वल्चर. थर्ड वर्ड है वास, V A S E, was, a was. और नेक्स्ट वर्ड है हमारा वायलिन, V I O L I N, a वायलिन. नेक्स्ट हमारा लेटर है N, यहाँ पर कैपिटल और स्मॉल दोनों N लिखा हुआ है, तो स्मॉल N में थोड़ा सा डिफरेंस है. तो इनसे बनने वाले शब्द हम देखते हैं कौन कौन से हैं. दिखाई दे रहा है आपको एक पिक्चर, नर्स, एन यू आर एस ई, नर्स, अ नर्स. नेक्स्ट है नेस्ट, एन ई एस टी, अ नेस्ट. उसके बाद क्या है, देखिए तो पिक्चर में क्या दिख रहा है आपको. जी हाँ, नाक दिखाई दे रही है ना, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में नोज, एन ओ एस ई, नोज, अ नोज. उसके बाद हम किससे लिखते हैं, पेन से लिखते हैं ना, तो पेन में जो सामने लगा हुआ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नेब. देखिए पिक्चर में दिखाई दे रही है, तो एन आई बी, अ निब. इसके बाद चलिए इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है हमने यहाँ पर बना के रखे हैं, उसको आपको क्या करना है, सामने कुछ पिक्चर्स दी हुई है और उन पिक्चर्स के साथ क्या करना है, हमको मैच करना है. ठीक है, तो यहाँ पर स्मॉल और कैपिटल दोनों प्रकार के लेटर्स लिखे हुए हैं.
ए वी जेड और एन, और उसके सामने जो पिक्चर्स दी हुई है तो उससे शुरू होने वाले जो पिक्चर है उसका नाम आपको यहाँ पर मैच करना है। तो आइए आगे क्या है देखते हैं। आगे आपके लिए है एक्सरसाइज वर्क, अभी जो आप लोगों ने पढ़ा उस पर डिपेंड जो है एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, रिकॉग्नाइज द पिक्चर एंड सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग। क्या करना है आपको, जो सामने पिक्चर दी हुई है ना उस पिक्चर को ध्यान से देखना है, पहचानना है, और जो सही वाला वर्ड है उसमें आपको सर्कल बनाना है। जैसे कि दिया हुआ है जेब्रा, और जेब्रा के सामने कितने सारे हैं, चार स्पेलिंग लिखी हुई है, तो जेड ई बी आर ए, और दूसरी है जेड ए बी आर ई, थर्ड है बी ई जेड आर ए, और फोर्थ है जेड बी आर ई ए। तो इन चारों में से जो सही स्पेलिंग है उस स्पेलिंग को जो क्या करना है आपको, सर्कल करना है। तो ऐसे ही और बहुत सारी चीज़ें आपको दी हुई है उसमें भी सेम ऐसे ही करना है। जैसे दिया है एप्पल, वेस्ट, नेस्ट, निब, वैन, ज़ीरो एंड अलमेरा। तो इन पर आपको सर्कल करना है जो सही वर्ड मैंने बताए हैं। आगे देखिए आपके लिए क्या होमवर्क दिया हुआ है। आपके लिए एक पिक्चर बनी हुई है, कहाँ से शुरू होता है ये, एरोप्लेन, ए से शुरू होने वाला है। तो आपको क्या करना है, इस पिक्चर को बनाना है अपनी कॉपी में और इस पर कलर करके इसका नाम लिखना है। तो नेक्स्ट क्लास के लिए मिलते हैं। थैंक यू।